नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं डीबीएस टीवी। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की प्रमुख खबर से। हाजीपुर के मोक्ष धाम कहे जाने वाला कुन्हारा घाट पर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 71वां जन्मदिवस अनोखे ढंग से मनाया। इस दौरान नित्यानंद राय ने प्रधानमंत्री के जन्मदिवस के अवसर पर 71 दिव्यांग बच्चों को गोद लेने की घोषणा की और उसकी परवरिश के लिए प्रतिमाह 3000 रुपए देने की भी घोषणा की। वहीं इस अवसर पर पीएम नरेंद्र मोदी के जन्मदिन को यादगार बनाने के लिए कन्हारा घाट पर दीपोत्सव मनाया गया, जहां 1100 दीप जलाए गए। इसके अलावा दिव्यांग बच्चों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चित्र पर तिलक लगाकर जन्मदिन की बधाई दी। इस दौरान दिव्यांगों और उनके परिजनों को संबोधित करते हुए केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि सेवा भाव के तहत दिव्यांग बच्चों को गोद लिया गया है और उनकी परवरिश के लिए उनके परिजनों के खाते में पैसे भेजे जाएंगे। उन्होंने कहा कि 1000 पढ़ाई के लिए, 1000 मेडिकल के लिए और 1000 रुपया पोषाहार के लिए दिए जाएंगे। वहीं उन्होंने कहा कि जरूरत पड़ने पर ऐसे बच्चों को जिन्हें गोद लिया जा रहा है उनके लिए फ्री इलाज की भी सुविधा प्रदान की जाएगी। खबरों में अब तक लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर ऐसी ही किसी बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए डीबीएस टीवी।